तो गाइस अभी अपना हिसाब किताब देख के आया था। ग्राउंड में तो आज कोई भी नहीं खेल रहा, इतनी खतरनाक वाली धूप है। चलो भाई मेरा हो गया ऑफ, चलते हैं हम, आप लोग करो काम, ठीक है? ओके ओके। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया, वो मेरे फ्रेंड ये भाई, हेलो, ये बख्शी में काम कर, हम छोड़ दें ये, लेकिन ये ट्रांसिशा में नहीं छोड़ेगी, कार्ड हमारा इसी नाम पे आया अभी। आओ चलें। पासवर्ड क्या बता दे? पासवर्ड ले लो आप। चलो गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के हमारे दिन की शुरुआत हो रही है फ्लाईओवर से, क्योंकि आज अकेला ही जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि कविता की ड्यूटी तो लेट है शायद, तो मैंने कहा चलो फ्लाईओवर से निकलते हैं आज। और गाइस रात को बारिश हुई है, उस वजह से मौसम इतना ठंडा है ना, मुझे बाइक पे जाते हुए ठंड लग रही है। देख सकते हो मौसम, मतलब अभी भी बादल हैं और चीज़ बिल्कुल एकदम अलग ही लग रही है। सुबह की वाइब्स ना, जैसे ठंडी ठंडी वाइब्स होती हैं वैसी। और अपनी बाइक यहाँ पे है लगाई रेडी करके, क्योंकि अभी निकलने लगा हूँ। मैंने कहा चलो जाते ही है, मौसम आज मॉर्निंग का मौसम तो मस्त है, अब इवनिंग में जब आएंगे तब देखेंगे, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूछो नहीं। तो चलो अभी निकलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश का प्रोग्राम देख सकते हो पूरा बना हुआ है। तो अभी पहुंचेंगे ऑफिस, क्योंकि 7 बजे पहुंचना भी होता है, 6:40 हो गए। कोशिश यार हाई 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन फिर भी 10 मिनट पहले एडवांस में पहुंचना सबसे सही रहता है। तो चलो निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको ऑफिस पहुँच के। अभी निकल गया हूँ यहाँ से, क्योंकि मौसम ठंडा है एकदम से, ठंड मतलब अच्छा वाला मौसम बना हुआ बारिश का। कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी मैं पहुँच जाऊँ, देखते हैं कितनी जल्दी पहुँचते हैं ऑफिस। और नज़ारा तो फुल है, मज़ा बाइक पे। जय माता दी, करते हैं माता रानी जी को प्रणाम। तो निकलते हैं ऑफिस के लिए, माता को प्रणाम जरूर करना है, कोई भी शुभ काम करने से, घर से निकलने से, हर चीज़ से। और आज तो माता रानी ने इतना अच्छा मौसम दिया है सुबह सुबह ही, क्या बोल सकते हैं इसमें। तो गाइस अभी हुआ फ्री, हो गए 12:30, आए हैं ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट भी क्या चाय पीते हैं और साथ में कुछ खाते हैं। लंच तो 1:30 बजे करेंगे, अभी लाइट से कुछ खा लेते हैं। अभी आए हो कैंटीन में, दिखाते हैं। बस सर खाओ आप, नहीं तो ये इनका समोसा चल रहा है, हमारी चाय चलेगी, तो खाते हैं तो नहीं करते हैं। किस किस को ये खाने हैं? सिंह कैंटीन, इधर समोसे चल रहे हैं, उधर कैंटीन में शंटी भैया को देख लो। तो गाइस अभी अपना हिसाब किताब देख के आया था, ग्राउंड में तो आज कोई भी नहीं खेल रहा, इतनी खतरनाक वाली धूप है। चलो चलते हैं नीचे, अपना हिसाब दे दिया, कहानी हो गई ख़त्म। अभी चलते हैं अपने फ्लोर पे, करते हैं थोड़ा बहुत काम भी, और करते हैं काम भी ख़त्म, क्योंकि उसके बाद एक ट्रेनिंग सेशन है वो भी करना है अटेंड, देन उसके बाद लंच करना है अभी ज़रूरी यार, क्योंकि अभी 1:30 बज गया है, 2 बजे करीब लंच करते हैं, उसके बाद देखते हैं 4 बजे निकलना है और धूप में कैसे जाना है। ठीक है, चलो भाई मेरा हो गया ऑफ, चलते हैं हम, आप लोग करो काम, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय, हमें होगी छुट्टी, स्कूल हमें छुट्टी होगी, आप लोग अभी काम करो, तो आप शाम को आना आराम से, ठीक है? आराम से 10 बजे पहुँचे, चलो ठीक है फिर, बाय बाय। ओके चले, चलो। तो गाइस अभी हो गया ऑफ, निकलते हैं अभी, क्योंकि बाहर धूप बड़ी खतरनाक वाली धूप है, तो
गर्मी भी है आज फिर से, और रात को इतनी बारिश हुई है, रात को मैं जल्दी सो गया था लेकिन बारिश तगड़े वाली हुई है। चलो निकलते हैं, अभी मिलते हैं आपको शॉप पे पहुंच के। तो गाइज अभी निकल गया हूँ शॉप के लिए, और इतनी गर्मी ऑफ करके निकला हूँ अभी बाहर, इतनी गर्मी है, इतनी ख़तरनाक वाली गर्मी है आज, कुछ कह नहीं सकते। और रोड एकदम खाली है आज, ऐसे लग रहा है कि बारिश हुई थी, उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं है कि बारिश हुई भी है कि नहीं, और इतनी तगड़ी साहब वाली गर्मी है। चलो पहुँचते हैं दुकान पर, और यहाँ का नज़ारा देखो यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर। अभी मैं पहुँचने वाला हूँ बावे पुल पे, यहाँ पे सुबह माता रानी जी को किया था प्रणाम। तो अभी पे सुबह आते का करते हैं, अभी जाने वाला भी करते हैं, और पहुँचते हैं शॉप पे, क्योंकि मुझे बख्शीनगर जाना है एक फ्रेंड से मिलने, तो वहाँ पे जाना है, वो काम ख़त्म करूँगा उसके बाद मिलता हूँ आपको सीधा शॉप पे। पहुँच गया बख्शीनगर BBR। जैसे कि आपने देखा बख्शीनगर आया था मैं कुछ काम से, साथ में फ्रेंड भी मिल गया, उससे मिलवाते हैं, क्योंकि उसका भी व्लॉगिंग चैनल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि उसने राइडिंग का चैनल स्टार्ट किया है और बहुत मेहनत कर रहा है भाई। सही है, अच्छी बात है, ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेरे साथ साथ जैसे वो भी एक क्लिनिक में काम करता है, उसके साथ साथ उसने वो चैनल भी स्टार्ट किया है, तो अभी मिलाते हैं आपको उससे भी। शायद वो बाहर गया, पता नहीं क्यों गया, किस लिए गया, तो आता तो मिलवाता हूँ, क्योंकि अपनी सिटी का भी है, अपनी एरिया का भी है पुंछ का, तो नेचुरली बात है बंदे से बात भी बनती है और फ्रेंड भी है। तो चलो मिलाते हैं आपको, देखते हैं, और उसका चैनल डालेंगे, उसकी वीडियो ज़रूर देखिए, और उसके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारा चाहे हो ना हो लेकिन उसका ज़रूर होना चाहिए। तो वैसे जैसे कि मैंने बताया, वो मेरे फ्रेंड ये वाइफ, हेलो, ये बख्शीनगर में काम करते हैं, स्पेशली मिल रहे थे हमें, और ये मैं पहले बोला आपको कि बाहर गए हैं, तो बाहर गए हैं तो ये देखो कोल्ड ड्रिंक रहने के, अरे भाई गर्मी थी, पानी चलता है, तो है गर्मी तो है। तो इनसे मिलने आया हूँ स्पेशली, इन्होंने भी अपना एक राइडिंग चैनल, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्होंने स्टार्ट की है, तो इनको भी सपोर्ट, उनकी सपोर्ट, मतलब जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबकी सपोर्ट होनी चाहिए इनके चैनल में। आप डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक जरूर डालूंगा, उस पर जाइए देखिए और सब्सक्राइब जरूर करना, और वॉच तो मतलब अच्छी खासी करो, कि इनका चैनल जितना जल्दी ग्रो करे उतना जल्दी मैं ग्रो करूँगा। तो गाइस ये देखो मेरा कार्ड लेके बैठे हुए हैं, ये मेरे पुराने एड्रेस पे ही आया है, भाई ये हम छोड़ दें ये, लेकिन ये ट्रांसिशा में नहीं छोड़ेगी, कार्ड हमारा इसी नाम पे आया है। आओ चले, पासवर्ड ले लो आप। चलो गाइस आए थे कार्ड लेने, कार्ड ले लिया, तब इनसे ही मिल लिया साथ में, पासवर्ड बता दे, भेज देंगे वापस, तो ले लो यार, ये लो पासवर्ड, अभी जनरेट करना है आप कर लेना, इस पे होगा ना, इस पे नहीं होता। चलो ठीक है।